मेरे पापा भी एक आर्मी ऑफिसर है, सूबेदार सिरियोम, और बहुत ही स्ट्रांग है। मैं भी उनकी तरह एक सीडीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ एंड मैं अपने पापा का सपना हर हाल में पूरा करके दिखाऊंगी। और मुझे अपने पापा पर बहुत ज़्यादा गर्व है। मेरे पापा ने मेरे देश का नाम रोशन किया है, अपनी जान दांव पे लगा के पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई है। पहले भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस में जाते थे, बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट्स जो जिनके सामने मुठभेड़ होती थी, लेकिन फिर उनका डट के सामना किया है और हमारे देश की रक्षा की है। तो मुझे अपने पापा पर फिर से मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा गर्व है। आंखें नम है, होंठ कांप रहे हैं, मुठियाँ फिंच रही है और चेहरा तमतमाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, देश पर मर मिटने वाले उन बीरजाबाज बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों की घेराबंदी के लिए जा रही सेना की टीम का हिस्सा बने हरियाणा के जाबाज चरखी दादरी जिले के गाँव महाराणा निवासी सूबेदार श्री ओम गुरुवार को ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं। परिजनों को रात करीब 10:30 बजे मिलिट्री अस्पताल से उनकी शहादत की सूचना मिली। श्री ओम पिछले 4 साल से शोपियां में तैनात थे। शनिवार दोपहर तक उनकी पार्थिव देह गांव पहुंचने की उम्मीद है। महाराणा निवासी श्री ओम 42 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे। साल 1998 में वह 17 राजपूत राइफल में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। जूनियर एशियाड के अलावा वो सर्विस कलर के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनके बेटी योगेश और चाचा ने बताया कि शोपिया में उनकी तैनाती थी। वह 44 RR बटालियन में तैनात थे। श्री ओम की शहादत से गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। ग्रामीण जाबाज के घर परिजनों को संतावना देने पहुंच रहे हैं। श्री ओम की पत्नी कविता को शहादत की खबर उनके बेटे योगेश ने दी। रात करीब 10:30 बजे परिवार को यह खबर मिली, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। शहीद की पत्नी कविता का कहना है कि उसे पति की शहादत पर गर्व है। बेटे योगेश को भी देश सेवा के लिए वो अब सेना में भेजेगी। बाकी दोस्तों, सलाम है ऐसी वीरांगनाओं को और सलाम है ऐसी माताओं को जो ऐसे शेर पुत्रों को जन्म देती है। बाकी दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी श्री ओम जी की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।